एक मेंढक और मेंढकी थी। मेंढकी के विनायक जी का नियम था, वह रोजाना पूजा पाठ करती। मेंढक चिढ़ता और कहता, रोज पराए पुरुष का नाम लेती है, अब कभी लिया तो तेरा सिर फोड़ दूंगा। विनायक जी सुन रहे थे, उन्हें क्रोध आया और सोचने लगे, इन्हें पर्चा तो दिखाना ही पड़ेगा। थोड़ी देर में राजा की दासी आई, दोनों को पकड़कर हांडी में उबालने के लिए चढ़ा दिया। दोनों सीजने लगे तो मेंढक बोला, मेंढकी बड़ा भारी कष्ट हो रहा है, तेरे विनायक जी को याद कर, ऐसे तो अपन दोनों मर जाएंगे। मेंढकी सात बार, संकट काटो संकट काटो, हे विनायक जी महाराज मेरे संकट काटो, ऐसा कहकर मन में प्रार्थना करने लगी। इतने में दो सांड लड़ते आए और सींग से हांडी के मारी तो हांडी फूट गई। वो दोनों उबलते कूदते सरोवर की तरफ चले गए। अब तो मेंढक भी भगवान जी का भक्त हो गया। हे विनायक जी महाराज, जैसे मेंढक मेंढकी के कष्ट काटे, वैसे सबके कष्ट काटना। कहानी सुनने वाले, हुकारा भरने वाले, सबकी मनोकामनाएं पूरी करना। तो बोलो विनायक जी महाराज की जय हो।